अस्सलाम वालेकुम। मैं भतीजे साहब को बहुत शौक है व्लॉगिंग करने का, तो मैं दे रहा हूँ मोबाइल उसको कि वो व्लॉगिंग करेगा। अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि आप जानते हैं मैं आपका पुत्र वीडियो ले, तो क्या नाम है, मैं अपने गांव आया हुआ था। तो अभी बाहर जाने का मूड है, आया जब वो एक घंटे से ऊपर हो गया है, तो अभी चलते हैं गांव, आपको भी विजिट करवाते हैं। मेरा मेरा चाचा ही समझो बस, ये मेरे ताए अबू हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। तो ये मेरे ताए अबू हैं, तो चलते हैं। गाड़ी की चाबी कहाँ है? मेरी चाबी, चलो चलते हैं। ये भाई साहब गाड़ी निकाल रहे हैं। हमें नहीं याद कि मैं आज तक कभी कार की फ्रंट सीट पर बैठा हूँ ड्राइविंग वाली। हत्ता कि मुझे ये पता नहीं कि इसमें गियर कैसे डालते हैं। गियर तो दूर की बात रही, कार की पिछली डिग्गी कैसे खुलती है मुझे ये भी नहीं मालूम। बैठूंगा इंशाल्लाह जब मैं सीखूंगा। नाइस। और फिर अपनी लेंगे इंशाल्लाह ताला। कट भाई, हम जब भी गाड़ी लेंगे ना इंशाल्लाह यहाँ पर पाकिस्तान का झंडा होगा। अब आ दरवाजों खोल, न तो खुले। देखिए हमें दरवाजा भी नहीं खोलना डले भाई। ये मजे माशाल्लाह कलाकार के, देख रहे हैं कि बच्चा किस तरह से गाड़ी को चला रहा है। ये बच्चे गाड़ी सीख गए, हम अभी देख नहीं सके। हाय अफसोस। भाई जिसको गुनाहों से बचना है ना, यूट्यूब पे आ जाए। यूट्यूब पे एक चीज है कि आप सॉन्ग नहीं प्ले कर सकते। भाई ने सॉन्ग प्ले किया, हमने कहा बंद कर, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। तो ये अच्छी बात है ना यूट्यूब की, आपको अच्छा बनाता है, इसे तो सॉन्ग भी नहीं चलाने देता। क्या क्या नहीं होता है? कॉपीराइट नहीं आता है? कॉपीराइट आता है। कोई बेहतरीन मोबाइल रिकमेंड करें। इस मोबाइल को तो बहुत ही रुक रुक के वीडियो शूट करता है, क्या करूं? थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो फिर रुक रुक के वीडियो शूट करता है। अब इतनी ज्यादा गर्मी भी नहीं है, अभी से ये काम करना है, कैसे कर रहा है तो फिर गर्मियों में तो क्या ही, ये बेहतरीन चलेगा। पका रहे हैं हम चावल को, इसमें मूटियां चूटियां नहीं है, सारे आलू ही है। आलू करना चाहता है लोग, बच्चा देते हैं ये करता है अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूँ आपका अपने शादी चाचा। तो ये है ब्लॉग चैनल अब्बास अली का। तो मैं आज गाँव आया हुआ था, तो इसने बोला कि आज मेरा इंट्रो तुम करो, तो इंशाल्लाह इंट्रो अच्छा हुआ होगा। पता नहीं है, बाल वाल तो बहुत ही बकवास है, इग्नोर करो उसको, छोड़ दो। तो अभी बाहर जा रहे हैं, चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। पहले तो खाना खा लें, खाना पड़े, तो खाना खा कर फिर अब आपको बाहर दिखाते हैं क्या मज़े हैं क्या मज़े नहीं है। लगा 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 मोला। भाई कहता है कि हम मेहमान हैं, मेहमान की खातिर दरवाजे करो। मैंने कहा मेहमान हो, चलो फिर उठो, मुझे पानी भी दो और ये जिस बर्तन में खाए ना ये भी रखा रहो। चल झूठा। चाचा बैठे क्या? कौन कहता है कि खर्ची सिर्फ छोटे बच्चों को मिलती है, बड़ों को नहीं मिलती? हमें तो मिली। हमें छोटे भाई ने दिए 500, हमें बड़े भाई ने दिए 500 रुपए और छोटे भाई ने दिए 1000 रुपए। मैजिक। तो भाइयों हम पानी भरने जा रहे हैं, आज हम बहुत दूर से पानी भरने जा रहे हैं। अभी मैं बाइक पे जा रहा हूँ, पहले मैं कार पे जा रहा था, थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था, बहुत ही अकड़ महसूस हो रही थी। अब ठीक खत्म हो गई भाई वो रौनकें, जहाँ दस्तरखान सजा करते थे, आज खाली पड़ी है जगह। भाई जब से रमज़ान ख़त्म हुआ है ना, तो मस्जिद आने को नमाज़ पढ़ने को मन ही नहीं करता, क्योंकि रमज़ान में जमायती बहुत आते थे और अभी बहुत कम आते हैं। मैं एक बार गया था सक्खर में, वहाँ पे माशाल्लाह सारी मस्जिद भर गई थी नमाजियों से। और मस्जिद की खूबसूरती नमाजियों से होती है, वैसे मस्जिद को हम सवाब की खातिर लश पश तो कर देते हैं लेकिन आते नहीं हैं। तो खुदा हाफिज़।